तो ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है तो इसमें अगर हम लॉग एक्स को टी एज्यूम करते हैं लॉग एक्स को अगर हम टी मानें तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है वन बाय एक्स और साथ में डी एक्स भी आएगा क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स होगा और टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा डी टी ठीक है तो हमारे पास आ गया डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अब इस इंटीग्रल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाय एक्स तो है तो वो तो डी टी का इक्वल आ गया और लॉग एक्स को हमने टी माना है तो ये टी स्क्वायर बन गया तो इंटीग्रल आई क्या बन गया अब ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी ये आ गया हमारे पास ठीक है अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा यह आएगा टी क्यूब बाय थ्री और प्लस में कॉन्स्टेंट सी भी आ जाएगा क्योंकि ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल करा है तो ये हमारे पास इंटीग्रल आई आ गया अब टी की वैल्यू तो है लॉग एक्स के इक्वल तो हम टी की जगह पे लॉग एक्स पुट कर देते हैं तो इंटीग्रल आई बन जाएगा Log X cube divide by 3 plus constant C. तो ये हमारे लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर